विकासखंड रामपुर के तहत पंचायत समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चयन प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हुई। इस दौरान पंचायत समिति अध्यक्ष का ताज कांग्रेस समर्थित आशीष शिकायत के सिर सजा, जबकि उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित रूपेश्वर कुमार ने बाजी मारी। चयन प्रक्रिया दोपहर 12 बजे एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन की अध्यक्षता में शुरू हुई, जिसमें रामपुर विकास खंड के तहत आने वाले सभी 18 वार्डों से नवनिर्वाचित बीडीसी सदस्यों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। पंचायत समिति अध्यक्ष पद के लिए रामपुर विकास खंड के वार्ड नंबर 3 शाहदार से कांग्रेस समर्थित आशीष शिकायत तथा वार्ड नंबर 6 धारगौरा से भाजपा समर्थित देशदीप गौतम ने नामांकन भरा। नामांकन भरने के पश्चात मतदान प्रक्रिया आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस समर्थित आशीष शिकायत के पक्ष में कुल 18 में से 10 सदस्यों ने मतदान किया, वहीं देशदीप गौतम को 8 वोट पड़े। आशीष शिकायत को निर्वाचन प्रक्रिया में 2 वोटों से विजयी घोषित किया गया, जबकि बीडीसी उपाध्यक्ष पद के लिए भी 2 सदस्यों ने नामांकन भरा, जिसमें विकास खंड वार्ड नंबर 16 ज्यूरी से भाजपा समर्थित रूपेश्वर कुमार तथा वार्ड नंबर 8 लगाना सदाना से कांग्रेस समर्थित हेमलता ने नामांकन भरा। उपाध्यक्ष पद पर विजेता उम्मीदवार रूपेश्वर कुमार को 9 वोट पड़े, जबकि हेमलता को 8 वोटों पर ही संतुष्ट रहना पड़ा। गौर हो कि उपाध्यक्ष पद के चुनाव में 1 वोट को अमान्य भी घोषित किया गया। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे सदस्यों का नाम घोषित किया, जिसके बाद विजेता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से ललित सिंह की रिपोर्ट। चलो आशीष भाई आगे बढ़ो। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं सुरेंद्र मोहन एसडीएम रामपुर विहित प्राधिकारी जिला शिमला के रामपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष के लिए श्री आशीष कायत वार्ड नंबर 3 शाहदार से जो चुनकर आए हैं अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित उनके निर्वाचन होने की घोषणा करता हूं। श्री आशीष कायत को टोटल 18 वोट डाले गए थे, उनमें से 10 वोट पड़े हैं और देशदीप गौतम को पड़े हैं 8 वोट। पार्टी की जीत नहीं, मेरी जीत ना होकर भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जिन्होंने काफी एक हफ्ते से स्ट्रगल किया और ये जीत जो है हमारे इसके सूत्रधार जो है हमारे भीमसेन ठाकुर जी है जो अध्यक्ष है, इनकी रूपरेखा में ही सारा प्लानिंग की गई और सारा कुछ जो है इनकी मैनेजमेंट के अंदर हुआ है। हालांकि यहाँ पे बीजेपी का हम 32 जीत के आए हैं यहाँ पे प्रधान, तो इस बार लहर जो चेंज थी और सारा जो मैनेजमेंट जाता है वो हमारे अध्यक्ष जी को ही जाता है, सारा श्रेय नहीं। तो आपके भविष्य में क्या रणनीति होगी, आपको विकास को लेकर के कौन से मुद्दे आगे रहेंगे? अभी हमारे जो मुख्य यहाँ पे इश्यूज है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, सड़कों से रिलेटेड है और हमारा इसी सिस्टम पे हम जो है पहले हम काम फोकस करेंगे। प्राथमिकता किस चीज को देंगे? एजुकेशन और सड़कों पर हमारी प्राथमिकता ज्यादा।